हाय गाइस, आप सामने देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे हैं पिकॉक्स के। अगर मैं इनका नाम नहीं बताऊं तो शायद कोई इनका पहचान भी नहीं पाता, इतने छोटे बच्चे हैं। मैं आज एक छोटे से बच्चे को पकड़ा रहा हूं, वैसे ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में इसको आपके सामने ही जंगल में इसकी माँ के साथ छोड़ूंगा, लेकिन मैं इसके छोटे छोटे हरे काम उनको पंखों को दिखाना चाहता हूँ। ये 4 दिन का बच्चा है, अंडों से 4 दिन पहले बाहर आया था। अब ये 1-2 दिन बाद में उठना शुरू कर देगा, तो इसके सारे पंजे, इसके पंख और इसको बारीकी से दिखाऊंगा मैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नर पिकॉक है, यानी कि मेल पिकॉक, विदेशों में पिकॉक बोलते हैं। सामने इसकी माँ है। ये जो घास है बड़ा बड़ा, यानी आदमी के सर तक या छाती तक इतना बड़ा घास है, इसमें लेके जब तक ये अपने बच्चों को अंदर घास में छिपी रहती है, जब तक ये उड़ना नहीं सीख जाते आराम से। तो देखो इसके पंख हैं बड़े बड़े, हाँ, इसको तो नीचे इसका पंजा है, इसको पंजा बोलते हैं, लेकिन इसमें 5 उंगली नहीं है, 4 उंगली है, 3 सामने है और 1 पीछे, जिसे हम पंजा बोलते हैं। हम पंजा बिना भी बेटा मानव का हाथ जो है उसको पंजा बोलते हैं, लेकिन ये जो मोर है इसके जो पैर है उसके नीचे के पोर्शन को पंजा बोलते हैं, लेकिन उसमें 4 ही हैं। ये आप बैक कर करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और ये बिल्कुल 4 दिन का बच्चा है, अंडे में से 4 दिन पहले निकला था। मैंने पिकॉक्स के अंडे और इसके बच्चों के बारे में आपको बारीकी से पहले बताया है। इतना छोटा है, कोई पहचान नहीं पता। अगर इसका नाम नहीं बताया तो कोई बता नहीं सकता कि ये पिकॉक का बच्चा है, क्योंकि हमारे जहन में तो पिकॉक वही कलरफुल। लेकिन गाइज, कम से कम 3 साल बाद में ये नर है। अगर मादा होगी तो मादा का तो कलर ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो नर है यानी जो मेल पिकॉक है, चलो पहले हम इसको छोड़ देते हैं। इसको सामने देखोगे आप, इसकी माँ है। अब इसको इस घास में छोड़ेंगे, सामने माँ हमसे सामना करने के लिए तैयार हो गई थी जब हमने इसका बच्चा पकड़ा, लेकिन अभी छोड़ देते हैं, इसकी माँ के पास चला जाएगा। और इस तरीके के वीडियो दोस्तों मैं आपको लाऊंगा जंगलों में से, और जिस जंगल से मैं इन सब को पकड़ता हूँ वो जंगल में आपको बताऊंगा, फिल्माऊंगा पूरा जंगल, उसको लास्ट तक देखना, बहुत मजेदार है। हाँ, उसमें मुझे कुछ करना है। देखो वो चला गया, आपको दिख रहा होगा पीछे अपनी माँ के साथ चला गया, छोटा सा बच्चा है, बस ये आवाज निकाल रहा है, आपने सुनी होगी आवाज से, अपने आप माँ के साथ चला जाएगा। सामने आप देख रहे हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।